गांव पपसरा पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अमरोहा में दूसरे चरण में मतदान होना है और आज चुनाव प्रचार के लिए अंतिम दिन है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे जयंत चौधरी ने मीडिया के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन के सवाल को लेकर कहा कि जब लोहा गर्म होता है तभी चोट करने में मजा आता है, अंतिम दिन है प्रचार का, आखिरी पल, कोई कमी ना छोड़ी जाए। मैं अपील करता हूँ कि मतदान करने जरूर निकले, कोई चूक ना करे, फिर 5 साल मलाल और फिर पछतावा रह जाता है। और जो सरकार के अच्छे काम हुए, गरीब के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए करोड़ों घर बन गए, शौचालय बन गए, सड़कें बन गई, आवागमन लोगों का आसान हो गया, अगले चरण में हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को फिर दोबारा नए चरण से बढ़ाया जाए। जो ग्रामीण क्षेत्र में आवास है उसके लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य तय हो, किसानों के लिए अच्छे काम हो, नौजवानों के लिए रोजगार सृजन के सारे काम करें। अगर यह सारे काम लोग चाहते हैं तो मतदान जरूर करें। अखिलेश यादव को लेकर कहा कि उनके यहाँ कंफ्यूजन है, कौन लड़ेगा, किसका नामांकन होगा, कौन उतरेगा, किसी को मालूम ही नहीं है, उन्हें खुद नहीं मालूम। विपक्ष के अवसरवादी होने के आरोप लगाने के सवाल पर कहा कि राजनीति के मूल संस्कार को समझिए, राजनीति पार्टी अलग अलग है, विचार अलग अलग है, सबकी कोशिश होती है कि सत्ता में आओ और अपने काम हो। सांसद संजय सिंह के बयान पर कि गुजरात से इन्होंने तानाशाही शुरू कर दी है, ये डर बनाया जा रहा है कि आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं उनकी बात पर विश्वास करें। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संविधान की शपथ मैंने ली है, संविधान का सम्मान मैं करता हूं, देश के लिए ग्रंथ है भारत का संविधान, कोई नहीं बदल सकता, भारत के संविधान की जो मूल धारणा है उन पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, सरकार किसी की हो जाए बेकार की बातें कर रहे हैं कि आगे चुनाव नहीं होगा, ईवीएम खराब है फिर भी हमें वोट दे दो तो उनके लिए बहुत, कोई क्यों दे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बोले कि उनके यहाँ जो अर्थ के जानकार हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, अर्थ के बड़े शास्त्री हैं, उन्होंने उनसे भी पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा गया कि यह जो बांटने की बात कर रहे हैं कि साल में एक हर गरीब को 1 लाख दे दोगे, अप्रेंटिसशिप एक्ट, हर नौजवान को पैसा दोगे, ये संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे और कितना इसमें लागत लगेगी, कांग्रेस के प्रवक्ता के खुद नहीं बता पाए कि कितना पैसा लगेगा, अब तक अपने हिसाब भी नहीं किया कि कितना पैसा इन योजना के लिए चाहिए, जब आप करोगे सरकार में, कल हम इनको बिठा भी देते हैं तो ये तो अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर देंगे। अमरोहा आए हैं, अमरोहा में किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से 400 पार का नारा प्रधानमंत्री लगातार दे रहे हैं, कितनी भागीदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रहेगी, क्योंकि अखिलेश यादव जब यहाँ पर आए थे तो कह रहे हैं पश्चिम की हवा चल रही है, पश्चिम से बीजेपी साफ हो रही है। जो पश्चिम से तो हमेशा ही हवा चलती है और पहले चरण के चुनाव में पश्चिम का ही क्षेत्र है तो पश्चिम का फैसला तो सब पे जाएगा, एक मैसेज दूर तक जाएगा और जा रहा है। पहले चरण में ये जो कॉन्फिडेंस है ये तो एक दिखावा है विपक्ष का, वो भी जानते हैं कि वास्तव में बीजेपी ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। और जहां हम अमरोहा में खड़े हैं लोगों का बिल्कुल एक मत है, चुनाव में कोई टक्कर भी नहीं है, कंवर सिंह जी जो है दोबारा सांसद चुने जाएंगे। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम दिखाई दिया है पहले, ये चिंताजनक है, सबके लिए चिंताजनक है, चुनाव आयोग भी इसको देख रहा है और प्रेरित करने की कोशिश हम सब लोग कर रहे हैं अपने तरीके से कि वोट जरूर लोग डालें। मैनपुरी से धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आया, लेकिन अब ये कयास लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव कल मैनपुरी से नामांकन कर सकते हैं, वहाँ इतना कन्फ्यूजन है मैं तो नहीं समझ, कन्नौज दोनों सीटें, वो देखो आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, शायद उनको भी नहीं मालूम। धन्यवाद।